हेलो, मैं हूँ दीप्ति मुखर्जी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ फंक्शंस के बारे में जानते हैं। फंक्शंस हैं राउंड, कॉन्केटिनेट और काउंट इफ। तो पहले हम राउंड फंक्शन के बारे में जानते हैं। राउंड फंक्शन मतलब नंबर जो है वो राउंड फिगर में क्या आएगा, ये मैथमेटिकल फंक्शन है, इसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 23.563, ये मेरा नंबर हो गया। अब हम इसका राउंड चाहते हैं, तो राउंड के लिए इक्वल टू और उसके बाद कैप्स लॉक कर लेते हैं राउंड। राउंड में हम यहाँ पर ये नंबर लेते हैं और डेसिमल के बाद कितना आएगा, अगर हम डेसिमल के बाद 0 रखते हैं मतलब कुछ नहीं, तो क्या राउंड फिगर में आएगा, 24 आ गया क्योंकि 0.56 है। और अगर हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि राउंड राउंड और उसके बाद ओहो यहाँ पर कैप्स लॉक किए हुए हैं, फिर शिफ्ट देखे दिए हैं, इसको राउंड और यहाँ पर हम देते हैं पहले नंबर लेना पड़ेगा ये नंबर और फिर कॉमा 1 डेसिमल के बाद एक डिजिट का, तो ये आ गया 23.6। अगर 2 डिजिट का लेंगे, 3 डिजिट का लेंगे, इस तरह से हम लोग राउंड निकाल सकते हैं। राउंड में ही एक है राउंड अप, एक है राउंड डाउन। तो हम लोग राउंड अप कैसे निकालते हैं, राउंड अप इसको हम लोग इस तरह से करते हैं कि यही वाला और उसके बाद लेते हैं 0, तो ये हो गया 24 क्योंकि ठीक इसके ऊपर हो गया 24। और राउंड डाउन लेने पर ये 20, यहाँ पर राउंड डाउन लेते हैं राउंड डाउन में, फिर हम लोग इसको नंबर हम ये वाला दे देते हैं और फिर उसके बाद डिजिट कितना लेना है 0 ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि 23 राउंड डाउन में। इस तरह से हम लोग राउंड, यहाँ पर राउंड पहले देखते हैं, ये है राउंड 0, डेसिमल नंबर 0 रहे ऐसा, और डेसिमल के बाद 0 डिजिट रहे, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट रहे राउंड का, और यहाँ पर का फॉर्मूला है राउंड आपका 0 डिजिट, फिर राउंड डाउन का 0 डिजिट। इस तरह से हम लोग 1 2 इस तरह से लेके देख सकते हैं, इसका अलग अलग वैल्यू आता है। अब हम लोग देखते हैं काउंट इफ। काउंट इफ के लिए हम लोग बहुत सारा नंबर दे देंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, और बहुत सारा नंबर जैसे 20, टैब 30, टैब और फिर 30, फिर एक बार 30 दे दिए, टैब और फिर 40,
टैब और उसके बाद एक दे देते हैं 60। और यहाँ पर मेरा फंक्शन है काउंट इफ, काउंट इफ। काउंट इफ के बाद हम लोग रेंज ले लेंगे, यहाँ से 20 से ये। इसके बाद क्राइटेरिया को हमको यहाँ पर कॉमा देके, क्राइटेरिया मतलब हम लोग क्या इसमें फंक्शन में कुछ लॉजिक क्या देना चाहते हैं, जितना ऑपरेशन सब है, ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू, क्या क्राइटेरिया देना चाहते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। तो हम अगर चाहते हैं कि 40 से बड़ा या 40 के इक्वल टू हो, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, ये क्राइटेरिया हम दे दिए, दे के ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और इंटर। ओहो, यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा को पूरा नहीं किए हैं, इसलिए ये एक एरर मैसेज आ गया। ओके कर देते हैं और यहाँ पर क्राइटेरिया को हम पूरा करते हैं। और इसके बाद हम इंटर देते हैं, तो यहाँ पर दिखाता है दो है ऐसा, एक 40 और एक 60। तो इस तरह से हम समझ गए कि काउंट इफ हम लोग किस तरह से करते हैं। अब देखते हैं कॉनकेटिनेट। यहाँ पर हम दो टेक्स्ट लिखते हैं, एक है ईडा और दूसरा है मीरा, मीरा। और यहाँ पर हम कॉनकेटिनेट फंक्शन को इक्वल टू कॉनकेटिनेट, और यहाँ पर हमको देना है, अगर टेक्स्ट हम यहाँ पर जब सेल में यहाँ पर दिए हुए हैं, जब यहाँ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे तो भी चलेगा, और अगर हम ऐसे ही देते हैं तो हमको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना पड़ेगा। जैसे ये ले लिए कॉमा और उसके बाद चाहते हैं स्पेस, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस दे दिए, और फिर उसके बाद हम लिखना चाहते हैं एंड, तो इसको हम लोग एंड दे दिए, और उसके बाद हम चाहते हैं फिर स्पेस, तो फिर स्पेस दे दिए, स्पेस, उसके बाद फिर कॉमा, और उसके बाद चाहते हैं मीरा, तो ये हो गया मीरा, और उसके बाद कॉमा देके यहाँ पर फिर एक स्पेस दे देते हैं, कॉमा, और यहाँ पर 40 दे देते हैं, मतलब न्यूमेरिक भी ये कॉन्केटिनेशन में ले लेता है। और अब हम इंटर करते हैं, तो यहाँ लिखता है ईरा एंड मीरा 40। तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि न्यूमेरिक ऐसे भी हम लिखें, मतलब ये वाला जो है D1 नहीं देके, हम यहाँ पर अपनी मन से भी दे सकते हैं। यहाँ पर कोई डिजिट अगर हम इक्वल टू देते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, लेकिन जैसे ही हम नंबर देते हैं तो उसको हम ऐसे ही दे सकते हैं, जैसे ईरा एंड मीरा 65 = 65, इस तरह दे दिए। देने के बाद इसके बाद अगर हम इंटर करते हैं तो देखते हैं ईरा एंड मीरा इक्वल टू 65। इस तरह से हम लोग कॉन्केटिनेशन को जानते हैं। थैंक यू।